अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सारे खैर से होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो भी थी प्यार वो सपोर्ट दिखाते। तो भाई लोग, इस वीडियो में हम बात करेंगे पबजी मोबाइल के उन अकाउंट के बारे में जो हैक हो गए हैं। तो भाई लोग, पबजी मोबाइल ने एक ऑप्शन निकाले जिसके ज़रिए आप लोग अपने हैक अकाउंट को रिकवर करा सकते हैं, ठीक है। इसमें जो 6 महीने जो पुराने अकाउंट है वो, उनकी रिकवरी तो बहुत ज़्यादा आसान है, मगर इससे जो ऊपर वाले अकाउंट है, मतलब जिनके 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उनके रिकवरी में थोड़ा सा मसला बन सकता है। मगर फिर भी आप लोग अपने लिए ट्राई करें। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। A to Z जितना भी प्रोसेस है उसको सारा मैं आपको बताऊँ। मगर आप लोगों को मैं ये भी बताऊँ कि आप लोग के अकाउंट कैसे हैक होते हैं, तो उस पर भी मैंने मेरी 2 वीडियो बनाई हुई हैं, 1 वीडियो भी बनाई हुई है, कुछ 2 वीडियो बनाई हुई, जिसमें 1 वीडियो भी अगर आप लोग देख ले तो आप लोगों को समझ आ जाएगी और आप लोगों को ये भी पता चले कि आप अपने अकाउंट को हैकरों से कैसे बचा सकते हैं और कैसे आप अपने अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं कि भाई आपका अकाउंट हैक ना हो। तो इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। मगर इस वीडियो में मैं आपको ये तो नहीं बता सकता क्योंकि ये बताऊंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ ये बताऊं कि आप अपने अकाउंट को रिकवर कैसे करा सकते हैं। ऑफिशियल तरीके कोई भी ये इधर उधर का तरीका नहीं है। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने भाई अपनी गेम जो है वो बैक कर देनी, जो अकाउंट आप लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसको यूज़ करने के लिए आप लोगों को जो जो सी चीज़ें भी चाहिए होंगी तो वो भी आप लोगों को इस वीडियो में पता लग जाएगी। इस तरह जब आप अपने गेम को लॉग आउट करेंगे तो ऊपर आप लोगों को हेल्प दिख रहा होगा, उसको आप लोगों ने क्लिक कर देने। हेल्प पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शन है, जैसे थर्ड पार्टी लॉगिन इशू है, मोबाइल लॉगिन इशू हो गया, ईमेल लॉगिन इशू है, गेस्ट अकाउंट लॉगिन इशू, अदर इशू, ठीक है। इस तरह के आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, मगर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले पे, क्योंकि हम फर्स्ट वाला हमको चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आपको कह रहे कि भाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे लिखी, क्योंकि अभी हम सब कुछ पढ़ तो नहीं सकते, ठीक है। तो हम इसलिए सिंपली मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बताऊं कि आप लोग यहाँ पे राइट हैंड पे देख रहे 3 ऑप्शन है, तो हम सेकंड वाले पे जाएंगे कि माय सोशल मीडिया अकाउंट हैज़ बीन हैक, ठीक है। इस वाले पे हम चले जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम नीचे आएंगे, नीचे नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे। तो मैं आप लोग चाहें तो ये पूरा पढ़ भी सकते हैं उधर जाके कि भाई इसमें क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं, मगर इसमें जो बेसिक चीज़ें वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, कि भाई क्या करना है इसके लिए। तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे रिकवरी अकाउंट आप लोगों ये को दिख रहा होगा, ये जो लिखा हुआ, ये जो पिक्चर सी बनी, आप लोगों ने सिंपली इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे इस पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने एक दूसरा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप अपने अकाउंट के लिए क्लेम रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। मगर इसके अलावा एक और स्टेप भी है, ठीक है। आपको यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्री पूरा टर्म पे आप लोग क्लिक कर देना है। मगर यहाँ पे आप लोग को ऊपर देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे आप लोग जब फाइल सबमिट करोगे उसके 6 या 3 महीने में आप दूसरा सबमिट नहीं करा सकते, और आपका सबमिट जो है ना वो तकरीबन कोई 14 दिन के अंदर होगा। फिर नेक्स्ट करोगे, आपको कहेंगे आप कौन से अकाउंट हैक हुआ है, तो भाई मेरा तो कोई अकाउंट इस तरह हैक नहीं हुआ, तो भाई एक दोस्त का अकाउंट है, तो मैंने उसका अकाउंट का नंबर दे दिया, ठीक है। UID का मतलब जो अकाउंट का ऊपर वो जो यूनिक ID होती है, ये उसका नंबर रखे थे, ठीक है, जिसे आप सर्च करते किसी ID वगैरह, ये आप लोगों को पता होगा। तो ये वो चीज़ है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक छोटा सा पज़ल आएगा, पज़ल को आप लोगों ने क्लिक कर देना है, सबमिट करा देने है, ठीक है, नेक्स्ट मार देना है, सिंपल यही तरह। अब भी भाई चीज़ें यहाँ से शुरू हो रही हैं जो काफ़ी मुश्किल, जिसमें काफ़ी लोग गलती करते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता। सिंपली आपको कह रहे How did you lose योर अकाउंट, के भाई तुम लोग अपना अकाउंट कैसे लूज़ कर लिया। तो भाई सिंपली आप लोग यहाँ पे देख ले कैसे आप लोग का अकाउंट गया है आपके हाथ से। तो भाई आप लोग सिंपली ऊपर वाले पे क्लिक कर देना कि भाई मेरा इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर हो गई, और बस जो भी है ना उस बंदे ने मेरा अकाउंट से सारी चीज़ें हटा दी। फिर आखिर आप कौन सा रीजन यूज़ करें, पाकिस्तान या जोन सा भी आप रीजन से खेल रहे थे वो आप लोगों ने लिख लेने। इसके बाद आप कह रहे कि भाई आप कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे थे, कौन से डिवाइस में आप लोग खेल रहे थे, तो ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे अपने दोस्त का पता नहीं कि भाई वो किस डिवाइस पे खेला था, मगर मैं ऐसे कर देता हूँ कि यहाँ पे उसके लिए जो टेक्नो या इन्फिनिक्स वगैरह कुछ इस तरह सेट कर देता हूँ। तो भाई मैंने इन्फिनिक्स उसके लिए सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करने के बाद वो मुझे कहते हैं कि भाई उसके मॉडल, तो मॉडल भी मुझे नहीं पता भाई, खैर मैं कौन सा इधर सबमिट करने बैठा हूँ, मगर मैं यहाँ पर उसके लिए बस सिंपली कह रहा हूँ, क्योंकि यह इस तरह की डिटेल ये मांगने जो उसकी डिटेल मेरे पास है नहीं। तो आप लोग जो कंफर्म चीज़ें लिख के सही डिटेल फिल करेंगे तो आप लोग की आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो भाई कि कौन सी चीज़ अकाउंट में लिंक थी पहले, तो फेसबुक लिंक थी, अच्छा वो यहाँ पे अभी कह रहे कि व्हाट ईमेल एड्रेस यू हैव यू लिंक्ड बिफोर, कौन सा ईमेल एड्रेस आप लोगों ने लिंक किया था, अगर लिंक किया था तो लगा दो, नहीं किया तो आई हैव नेवर लिंक
माई ई मेल, इस पर क्लिक करो। यहाँ पे अभी कह रहे कोई नंबर नंबर किया तो ठीक है, नहीं किया तो आई हैव नेवर लिंक माई फ़ोन नंबर, ये सर ये भी आप लोग कर दो, अगर किया तो वो पे लिख लेना, लिखना है ठीक है आप लोगों ने। अच्छा यहाँ पे कह रहे कौन सा करेक्टर नेम आप यूज़ कर रहे थे, जो मतलब मेरा शीर्षा है, तो इस तरह आप लोगों ने लिखना, उसी तरह से लिखना है जैसे आपका इन गेम में था ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अपने आप से लिखें, नहीं आप लोगों जोन सा गेन गेम यूज़ कर रहे थे वही आप लोगों ने लिखना है ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे नेम भी नहीं है तो मैं यहाँ पे नेम का ऑप्शन भी छोड़ देता हूँ। अच्छा यहाँ पे आप कह रहे हैं कि भाई 6 महीने पहले आप लोग मतलब कौन से हाईएस्ट टायर में थे, तो वो लिख लेना है ठीक है, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि भाई कौन सा आप मैप ज़्यादा यूज़ कर रहे थे 6 महीने में, तो भाई यहाँ पर हम एरेंगल यूज़ कर रहे थे, इतना तो मेरे पास। अच्छा भाई यहाँ पर लिखे आप किस भाई बंदे के साथ ज़्यादा खेल रहे थे, अपने बेस्ट फ्रेंड जो ठीक है, जो निक नेम उसका अपना निक नेम लिख लें, उसका मतलब निक नेम मतलब उसकी जो इन गेम आईडी का नंबर है वो या नेम है वो लिख लेने आप लोगों ने ठीक है। तो भाई मैं अपने उसका मतलब दोस्त को मैं अपना नाम लिख लूँ कि मेरे साथ ज़्यादा खेलता था ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मतलब नाम वगैरह सब के फिल कर दिए और उसका नाम भी मुझे मिल गया, तो मैं उसका नाम भी यहाँ पर लिख लेता हूँ, शील्ड ग्रीन नाम था उनका, तो मैं उनका नाम भी यहाँ पर फिल कर देता हूँ ठीक है। अभी इसके बाद हम जाते हैं भाई नीचे ऑप्शन पे, तो नीचे ऑप्शन है कि भाई आप लोगों ने कोई ऑल टैलेंट चैम्पियनशिप के लिए मतलब ये जो क्रू चैलेंज में अगर 6 महीने में के लिए हो या इससे पहले, तो भाई नहीं के लिए तो ठीक है, तो उसको भी नो करें। अच्छा यहाँ पे आपको कह रहे कि यूसी आपने कब परचेस किया, तो उसका स्क्रीनशॉट उसकी डेट वगैरह आप लोगों के पास ईमेल वगैरह में होती अगर है तो यू परचेस किए तो लिख दें यहाँ पे, क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत आसानी अगर की हुई है ठीक है, अगर नहीं की तो बस छोड़ दे भाई, सिंपल यही तरीका। तो मुझे पता नहीं है ना वो हमने क्यों, क्योंकि ये 2023 से आगे जा नहीं रहा, क्योंकि उन लोगों ने परचेस किया तो बहुत पहले किया था, इस वजह से। अभी यहाँ पर जो दो ऑप्शन है आपके पास, ये वाले बहुत ज़रूरी ऑप्शन हैं ठीक है। इफ़ यू क्लेम इज़ सक्सेसफुली व्हाट ईमेल एड्रेस डू यू विश टू लिंक, कि भाई कौन सा ईमेल एड्रेस आप चाहते हैं कि भाई आपका लिंक हो जाए, अगर आप लोग का मतलब अकाउंट क्लेम सक्सेसफुली हो जाता है कि भाई मतलब उसमें मसला नहीं बन रहा, तो आप लोग इसको यहाँ पे सिंपली कोई ईमेल एड्रेस जो आप लोगों ने रखा हो अपने पास, तो वो आप यहाँ पे लिंक उसका वो लिख दें, तो भाई मज़े ही मज़े। और यहाँ पे नीचे आप कोई और इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हो तो वो भी लिखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ आ गई, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल।